तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला हमने किया था वो था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू एरिया, एरिया बाहर आ गया, क्या बचा, डी बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर से ई की जगह वी बाई डी या वी बाई एल, तो यहाँ से डी बाहर आ गया, क्या बचा, डी वी बाई डी टी। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है, कैपेसिटेंस सी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, और तीसरा फॉर्मूला, तीनों के तीनों डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। तो तीनों के तीनों डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूलाज हैं। अब चाहे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हो, चाहे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो ये कैसे भी यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस, तो प्लेट का रेडियस पता है तो प्लेट का एरिया तो आ ही जाएगा पाई आर स्क्वायर। इट इज़ बीइंग चार्ज्ड सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडली एट अ रेट ऑफ, क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डी ई बाई डी टी। डी ई बाई डी टी पता है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो तुम सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, एप्सिलॉन नॉट एरिया डी ई बाई डी टी, अभी जो मार्क करवाया था, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बात समझ में आती है। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, डी ई बाई डी टी को। जैसे अगली प्रॉब्लम है, वोल्टेज बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी गिवन है इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ, तो क्या आ गया, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू आ गई, सी पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला भी लिखवाया, सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो सी को डी वी बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट में आपने ये करना है कि वेव की वेलोसिटी, देखो वो सिलेबस में नहीं है, इतना नहीं आएगा। तो c इज इक्वल टू न्यू लैमडा, e इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा, स्पीड ऑफ ई एम वेव आपको वैक्यूम में पता है और मीडियम में पता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है अलॉन्ग x एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड x में नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, मैग्नेटिक फील्ड z में है, वेव प्रोपोगेशन इसका मतलब x में होगी, क्योंकि तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो जो भी वेव की इक्वेशन आप याद करेंगे, e नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसमें अगर x आ रहा है, k के साथ x आ रहा है, इसका मतलब वेव प्रोपोगेशन x में है। तो वेव की इक्वेशन के अंदर अगर x चल रहा है, तो वो वेव की प्रोपोगेशन x में है, और ये y है और ये z है, इसका मतलब तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो वेव की इक्वेशन ऐसे या ऐसे कैसी भी आपको बुक में गिवन होगी या न्यूमेरिकल में गिवन होगी, आपको बनानी नहीं है, याद नहीं करनी, बस आपको पता होना चाहिए वेव की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो ये आपको पता है, ई नॉट बाई बी नॉट की रेशियो क्या होगी, स्पीड ऑफ ई एम वेव सी, जिसका ये फॉर्मूला है। और के क्या होता है इसमें, ये के का मतलब है 2 पाई बाई लैमडा या ओमेगा बाई सी। ये तो प्लस वन की वेव के ही क्वेश्चन से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा। ये कुछ नहीं करना आपने इसमें। जैसे सिक्स क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम एट अ स्पीड ऑफ, आपको स्पीड पता है, वी पता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, परमिएबिलिटी रिलेटिव क्या होती है, म्यू आर की वैल्यू उसने दे दी, क्या निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर निकालना है, म्यू आर दे दिया, एप्सिलॉन आर निकालना है। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/μm εm, क्योंकि वी है, नॉट नॉट करेंगे तो सी आ जाएगा, मीडियम की बात हो रही है, और मीडियम के अंदर म्यू क्या होता है, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन एम क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया, इसका मतलब क्या होता है, सी। तो एक और फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लें, वी इज सी डिवाइडेड बाई म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसे ये फॉर्मूला नोट कर लें, वी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो आपको v पता है, आपको c पता है, आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन r की वैल्यू निकालनी है आंसर, आपको म्यू r की वैल्यू भी 1 पता है। तो ये स्टेट वे फॉर्मूला आप बुक्स में यूज़ करते देखेंगे, तो इसको डायरेक्ट ही याद करेंगे।
ठीक है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो वेव की प्रोपगेशन किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है? जे कैप है, वाई एक्सिस है। वॉट इज मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट? एक पॉइंट तो पक्की है, अगर वेव की प्रोपगेशन एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का जेड में ही होगा। तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। वेव की प्रोपगेशन एक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें वाई है, तो बी इसमें जेड होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बी के पीछे के कैप लगेगा, ये माइनस के कैप लगेगा, ये नहीं पता लग रहा। लगेगा तो के कैप, पर के की माइनस के ये नहीं पता। तो अब एक काम करें, पहले ई का मैग्नीट्यूड 6.3 है मीडियम वैक्यूम है, तो अब बी की वैल्यू निकाल लें। आपको मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखवाया था, सी इज इक्वल टू ई बाई बी, बी इज इक्वल टू ई बाई सी। ई पता है, सी पता है, बी आ गया, तो बी आ गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सबको याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहा कि वेव की प्रोपगेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई क्रॉस पी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि जो वेव की प्रोपगेशन है, वेव जहां प्रोपगेट कर रही है इज पैरेलल टू वी, इज पैरेलल टू ई क्रॉस पी। मतलब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है? जे कैप। तो देखो, ये रहा आपका ई वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, और ये रही आपकी वेव की प्रोपगेशन। अब आप एक चीज बताओ, वेव की प्रोपगेशन आपको कहां गिवन है? एक्स एक्सिस। तो यहां पर मैंने क्या पुट कर दिया? आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गिवन है? जे। तो बताओ यहां क्या पुट करें कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट आई आ जाए? तो ऑब्वियसली जे के पुट करें, क्योंकि जे क्रॉस के क्या होता है? आई। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब किस कैप के अलोंग होगा? के कैप। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको डिसाइड करके बताएगा कि वेक्टर का कौन सा कैप आएगा। तो समझ में आ रहा है, वेव प्रोपगेशन ई क्रॉस बी के साथ निकलता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसलिए आपका आंसर के कैप आया, तो मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, पीछे के कैप आपने प्लेस कर देना आंसर। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एट्थ क्वेश्चन, तो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में गिवन है? वाई, देख रहे हो वाई। तो किसकी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? बी नॉट की, बी नॉट आ गया। तो नेक्स्ट क्या निकालना है? के, ये जो कोफिशेंट है एक्स के साथ वो क्या आएगा? के। अब के की वैल्यू आपको पता है इसमें 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, और के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या जाएगा? लैम्डा। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है, यहाँ से ये टर्म क्या देगी आपको? ओमेगा। ओमेगा आ गया तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी, और लास्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई की वैल्यू बतानी है क्या होगी, इसकी इक्वेशन बताओ। अब ये बताओ कि ये बी नॉट है, आप बी नॉट सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है, तो ई नॉट क्या होता है? सी इन टू बी नॉट। आप बी नॉट को सी से मल्टीप्लाई करके ई नॉट निकाल लें, और आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपका गिवन है वो किस एक्सिस में गिवन है आपको? क्वेश्चन में वाई में, और यहाँ पे क्या चल रहा है? के एक्स। तो वेव प्रोपगेशन कहाँ पर है? एक्स पे, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में होगा। तो इसने क्या प्लेस कर दिया यहाँ पर? बी ई जेड, तो यानी कि जेड एक्सिस है। तो ई नॉट साइन, अंदर की चीज़ तो मैग्नेटिक फील्ड वाली कॉपी करनी है, के एक्स और ओमेगा टी सेम है, जो बी की इक्वेशन में वही ई की इक्वेशन में है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इनके आंसर दिए जाते हैं। तो फ़र्क ये है, बाकी नहीं करना आपने इसमें, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, बहुत ही बेसिक हैं। मेंस और नीट में इसका थोड़ा सा अपर वर्जन आता है, वो और ट्रिकी करेगा,
जिसमें आपको एक्सिस ढूंढने पड़ते हैं कि आई कैप, जे कैप या के कैप या माइनस के कैप या माइनस जे कैप, वो हम कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी इससे ऊपर नहीं पूछती, एनसीईआरटी सफिशियंट है इतना, ठीक है। इंटेंसिटी इंटेंसिटी अब सिलेबस में रही नहीं है, ये नहीं करना आपने। नेक्स्ट जो करना है आपने, इसमें मैंने बुक्स में से और बुक्स में से भी ये टेबल लिया हुआ है, जैसे जो आप याद करेंगे तो आपने वेवलेंथ की रेंज तो एनसीईआरटी की बुक से याद करनी है, मैंने बताया था लास्ट टाइम। फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ से याद कर लें, जैसे ये रेडियो वेव्स है जिसकी ये फ्रीक्वेंसी है, रेडियो वेव की डिस्कवरी पहली बार जो की थी मार्कोनी ने की थी, और उसका जो पहला एंटीना आया था जिसने पहली बार रेडियो वेव जनरेट की थी, मार्कोनी एंटीना बोलते हैं उसे, उसके नाम से फेमस है, तो इसने एंटीना से बनाई थी। चलो इन एनी केस इसके अंदर सब कुछ गिवन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं, जो हमने लास्ट टाइम पूरी थ्योरी में पढ़ा था इसने टेबल की फॉर्म में लिख दिया, तो जब करोगे तो गो थ्रू कर लेना। और ये भी टेबल याद करके जाना, आ जाता है पेपर में ऑब्जेक्टिव कि टीवी वेव की फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है। एफएम रेडियो सुनते हो 88 से 108 के बीच में आपका टीवी, आप अपनी गाड़ी में बैठ जाना, गाड़ी में रेंज गिवन होगी देख लेना, यही है 92.7 103 सब इसी रेंज में लाए करते हैं। आपका शॉर्ट एएम, आपका दो किस्म के रेडियो होते हैं, ऑल इंडिया रेडियो एएम और एक एफएम, एएम रेडियो की ये फ्रीक्वेंसी है और मीडियम वेव एएम बैंड की ये फ्रीक्वेंसी है। मीडियम वेव एएम बैंड होता है ये मेरा माइक ये चल रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो है, सबसे छोटा यहाँ से स्टार्ट होता है जो स्पेस कम्युनिकेशन है, सबसे छोटी यहाँ से स्टार्ट होती है, कमरे तक रेंज है बस, फिर उसके बाद रेंज बढ़ती है। एएम बैंड रेडियो के थ्रू पूरे शहर में सुनाया जा सकता है, एफएम 50 किलोमीटर तक चल जाता है, टीवी पूरे देश में चल जाता है, और सेलुलर ये तो पूरी दुनिया में चल जाता है, तो मतलब ये रेंज बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी की, इस तरीके से वेव चलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज तो याद करनी ही करनी है, और वेवग्योर की भी याद करनी है, बताया था मैंने पूरी वेवलेंथ की रेंज, मैंने एनसीईआरटी के अंदर भी याद करने को बोला था, तो ये भी आपने याद करनी है, ठीक। नेक्स्ट है